कहाँ गई वो डिंपल वावी जो दिखा दी थी कि हम लड़की है, लड़की का सम्मान उसे करना नहीं आता। इसे कोई कांड हो तो उनके ऊपर पूरा बुलडोजर चला है और पूरा दस्तपोट गोली चला है। और अगर ये कहते हैं कि टेररिस्ट, रेपिस्ट, क्रिमिनल, किसी का कोई धर्म नहीं होता, तो हिंदू ऐसा करे तो उसको दफनाओ, मुस्लिम ऐसा करे तो उसको आग लगाओ, इस चीज में अगर कोई विरोध करे तो उसको भी साथ में आग लगाओ। अच्छा करा है। मैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो बात सुनिए, पहले का बुलडोजर में कुछ और बात था जो चले थे, आज कुछ और बात है। ये देश की बच्ची की बात है, देश की बेटी की बात है, इसमें हम कतई कोई सपोर्ट नहीं करेंगे उनको। मैं कह रहा हूँ जो बच्ची का साथ जो हादसा हुआ ना, जो हादसा हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। कोई धर्म का लोग भी उसमें शामिल हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी जात का, मैं तो कहता हूँ वो जो पिल्ला का बच्चा है वो इंसान का बच्चा ही नहीं है। वो पहली एक बात, और उसको तो ऐसा सजा दो, किसी कौम का भी हो उसको तो ऐसा सजा दो, दोबारा कोई रेप करने का सोचता भी ना सोचे उसको ऐसा। मैं इस चीज की सपोर्ट करता हूँ और इसलिए दूसरी बात, अब इस चीज की इन लोगों की देख लीजिए, जब हम बोलते हैं तो इनका मुंह खुलने लगता है, सुनते नहीं है, क्योंकि ये विरोध में खड़े तो सुनते नहीं है। कहते हैं अभी दुनिया में रहता मुलायम सिंह तो उनके बात करता था, बाबरी है कि नहीं अभी ये बताइए पहले तो मुझे। बाबर नहीं है, बाबर के बाबरी मस्जिद जो है, बाबर है कि नहीं है, कहाँ है बाबर, नहीं है, नहीं है। तो उसकी मस्जिद के लिए इतना विरोध क्यों खड़े होते कि मस्जिद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदू हो तो उसको दफना दीजिए मरने के बाद, मुस्लिम हो तो उसको चिता में आग लगा दीजिए। अगर ऐसा होगा तो विरोध करेंगे यही लोग कि हिंदू मुस्लिम हो रही है, इस चीज का विरोध में हो गए, विरोध में खड़े। देखिए हिंदू मुस्लिम नहीं है, विरोध में खड़े हैं। बुलडोजर किसका, बीजेपी का नेता जब किसान आंदोलन के टाइम में किसानों को कुचला गया था, वो बुलडोजर कहाँ गया था, कहाँ गया था, कुचला गया था, एक सेकंड आप बोलो ना, कुचला गया था, अजय मिश्रा टोनी कहाँ गया था, अजय मिश्रा टोनी, ये बता दीजिए 1998 में 12 जनवरी पे मतलब 27 किसानों को गोलियां लगी थी, तब किसकी सरकार थी ये बता दीजिए आप। खबर नहीं सुनी होगी बीजेपी ने, कुलचा तब नहीं बोलेंगे, लेकिन ये खबर हर किसी ने सुनी है, 27 किसानों पे गोलियां चली थी 1998 में 12 जनवरी पे, तब इनको नहीं बोला गया। लेकिन ये होता है कि भाई बिल्कुल इनके मुंह पे ताला लग जाता है जब एक समुदाय के लोग ऐसा काम करते हैं। समुदाय को क्यों जोड़ रहे हैं सर, रेपिस्ट का धर्म देखेंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज क्या होता है कि अगर यही बीजेपी का कुछ अगर एंगल आ रहा होता, ये अगर ये किसी हिंदू ने ये ऐसा कर दिया होता ना, तो अभी ये डीजे लेके पूरे यूपी में, बंगाल में, सब जगह ये हल्ला करते, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जंतर मंतर पे अभी ये आते। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इनके इनके मुंह से बोली तक नहीं निकल रही है। राहुल गांधी जाति जाति करता, अपनी जात बता देगा, उसका पता ही नहीं कौन सा खानदान है, उसको पता ही नहीं उसके अंदर कौन सा ब्लड है, अरे आपका वो रिश्तेदार है वो, आपको पता ही नहीं क्या है उसका। के रेप केस के आरोपी के घर पे बुलडोजर चलता है, उनकी बेकरी पे भी बुलडोजर चलता है, लेकिन उसी बुलडोजर की कार्रवाई को यूपी में गलत ठहराया जाता है। सपा के नेता मांग करते हैं कि नार्को टेस्ट हो, डीएनए टेस्ट हो, वो मांग कहाँ तक सही है उसी पे बात करेंगे आज। क्या नाम हुआ सर आपका? अंशु कुमार। कैसे देखते हैं ये ऐसे बयान दिए जा रहे हैं रेप केस के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, देखिए ऐसा कोई बयान देना नहीं चाहिए, और अगर यही इतना ही अगर आपको फिक्र था तो आपने ये सब चीज़ आपने पहले रुकवाया क्यों नहीं? आप ही के वो जानने वाले थे, आप ऐसे कंधे पे हाथ कार्यकर्ता है, बिल्कुल कार्यकर्ता सपा के उनके, तो अभी तक हम देखे हैं कि अभी तक ना ही तो अवधेश प्रसाद जो कि अब शायद इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं आजकल मीडिया वाले से, एक बार खंडन तक नहीं किया उन्होंने इस कुकर्म को। वो कह देते सबसे बड़ी बात है डिंपल यादव की, मुझे ये शर्म आ रही है बोलते हुए, डिंपल यादव भी एक महिला है, डिंपल यादव तो एटलीस्ट बोलना चाहिए था उनको। प्रियंका गांधी भी कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बिल्कुल इनके मुंह पे ताला लग जाता है जब एक समुदाय के लोग ऐसा काम करते हैं। समुदाय को क्यों जोड़ रहे हैं सर, रेपिस्ट का धर्म देखेंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज क्या होता है कि अगर यही बीजेपी का कुछ अगर एंगल आ रहा होता, ये अगर ये किसी हिंदू ने ये ऐसा कर दिया होता ना, तो अभी ये डीजे लेके पूरे यूपी में, बंगाल में, सब जगह ये हल्ला करते, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जंतर मंतर पे अभी ये आते। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं,
ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इनके इनके मुंह से बोली तक नहीं निकल रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पास वायनाड जाने का समय मानते हैं, वहाँ पे भी आपदा चल रही है, जाना चाहिए। 232 कैमरे के साथ में गए हैं, 20 गार्ड वहाँ पे है कि लोगों को हटाया जा सके, कि लोग सामने नहीं आए। आपने देखा होगा एक गाड़ी में एक युवक पीछे से भागते हुए आया, जब राहुल गांधी बैठे हुए थे वो बोले थे कि मैंने आपको वोट किया है मगर आपकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी खराब हो रहा है। तो ये सब चीज़ देखिए, वो बस राजनीति करने गए, 3 दिन पहले ही 3 दिन लेट हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। और सबसे पहले वहाँ पे रिपोर्ट भेजा गया था क्लाइमेट का कि आपके वहाँ पे खतरा है, आप अपने स्टेट में काम करिए, मगर उस इमरजेंसी को उसको इन्होंने कहना चाह रहे हैं विपक्ष के पास में अपने स्टेट के पास अपने स्टेट पे काम करने का टाइम नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट पे बात करने का टाइम। मैम वही बात है ना, आप ये देखिए, ये इन लोग संदेश खली पे बात नहीं करेंगे, इन लोग बात करेंगे मणिपुर पे। अगर इनको ये था, आप देखेंगे कि दिल्ली में ये इन लोग बवाल करते हैं, मणिपुर में आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक इन्होंने एक बिल तक पारित नहीं किया मणिपुर ये विधानसभा में। ये इन लोगों का सिलेक्टिव आउटरेज है, सिलेक्टिव आउटरेज है। क्या कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री, कौन है जो पारित करेगा पहले ये बताइए। सर एक प्राइवेट बिल भी होता है, वो भी ला सकते हैं आप। आप अगर एमपी हैं, पहले ये बताइए, आप अगर एक कौन है, सुनिए मुख्यमंत्री से नहीं होता है। तब किसी और, मैं बता रहा हूँ, जब किसी आराम से मैं बता रहा हूँ, आप सुनो, आप कहते हो कि कोई बिल पारित करने, बिल तो पारित करने की बात छोड़ो, राहुल गांधी की पार्लियामेंट का आवाज बंद कर दिया जाता है, तो आप कानून की पास करने की बात कर रहे हो। तो ये भी बता दीजिए एक चीज ये भी बता दीजिए, जब राहुल गांधी को जिस मुद्दे पे बात करने की बात की जाती है कि आप नीट की परीक्षा पे बोलिए, तो वो ये मुद्दा क्यों उठाते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो ये चीज क्यों बोलते हैं राहुल गांधी जी, आपकी ये बता दीजिए। अगर बिल पारित की बात करते हैं तो उनको इतना मुद्दा मिलता है, उनको इतना विपक्ष में मिलता है कि आप आवाज उठाए, वो आवाज क्यों नहीं उठाते सही जगह। मुझे ये बात बताओ, आप लोग आप जाति की बात करते हो, आप राहुल गांधी जाति करता अपनी जात बता देगा, उसका पता ही नहीं कौन सा खानदान है, उसको पता ही नहीं उसके अंदर कौन सा ब्लड है। अरे आपका वो रिश्तेदार है, वो आपको पता ही नहीं क्या है, उसका बाप कौन है, दादा कौन है, हिस्ट्री पढ़ के आप भागो मत। मुझे बताओ, हमारा देश को सुधारने के लिए जाति चाहिए क्या? देश को सुधारने के लिए जाति चाहिए? जाति जनगणना की मांग क्यों करते हैं? जाति जनगणना की मांग सुनो आप सुनिए ना बात। जाति जनगणना की मतलब क्या है सुनिए पहले। जाति जनगणना पहले अयोध्या पे रही है भैया, बात अयोध्या की हो रही है। बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम क्यों करता है? बीजेपी हिंदू मुस्लिम क्यों करता है? बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। जब बुलडोजर चल रहा है वो गलत है। बल्टूजर किसका, बीजेपी का नेता जब किसान आंदोलन के टाइम में किसानों को कुचला गया था, वो बल्टूजर कहाँ गया था? कहाँ गया था? कुचला गया था, एक सेकंड आप बोलो ना, कुचला गया था। अजय मिश्रा टोनी कहाँ गया था? अजय मिश्रा टोनी अभी बता दीजिए, 1998 में 12 जनवरी पे मतलब 27 किसानों को गोलियां लगी थी, तब किसकी सरकार थी ये बता दीजिए आप। ये किसी ने खबर नहीं सुनी होगी, बीजेपी ने कुलचा कब नहीं बोलेंगे, लेकिन ये खबर हर किसी ने सुनी है। 27 किसानों पे गोलियां चली थी 1998 में 12 जनवरी में, तब इनको नहीं बोला गया, लेकिन ये होता है कि भाई लोग। मेरा सवाल सुनिए, आप सभी मेरा सवाल सुनिए। सवाल अयोध्या का था, अयोध्या पे रहेंगे। क्या रेपिस्ट का समर्थन करना सपा के द्वारा सही है? गलत है। एक मिनट बताओ आप, सपा एक मिनट सपा ये बात कह रही है क्या कि हम सपा कह रही है कि डीएनए करवाया जाए 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है, उसके बावजूद डीएनए की मांग, नार्को टेस्ट की मांग, ये सही है? बिल्कुल सही है, उसको टेस्ट करो, उसके प्रूफ पूरा लाओ, क्यों नहीं? ऐसे मेरे ऊपर भी आप कह दोगे कि मैंने करा ऐसा हरकत? आरोप सिद्ध हो चुके हैं, आरोप सिद्ध हो चुके, तो आपको उसको अरेस्ट करो, बंद करो। अरेस्टेड है, पॉक्सो के तहत अरेस्टेड है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस नजर से मत देखिए आप कानून के दायरे से उसके साथ कार्रवाई करिए। अगर हिंदू हो तो उसको दफना दीजिए मरने के बाद, मुस्लिम हो तो उसको चिता में आग लगा दीजिए। अगर ऐसा होगा तो विरोध करेंगे यही लोग कि हिंदू मुस्लिम हो रही है, इस चीज का विरोध में होगा, विरोध में खड़े। देखिए हिंदू मुस्लिम नहीं है, विरोध में खड़े हैं। तुम इस बात को मत कहो तो चिताओं में आग लगाओ। एक बात सुनो, मेरा एक सवाल, आपका नाम? मेरा नाम मुजम्मिल है। देखिए विरोध बात कीजिए, जो जो सपा के नेता हैं,
अखिलेश यादव के पिताजी बड़े गर्व से कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, ये बात सही है? गलत बात। किसने कहा था? अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव। अभी वो है क्या? कहा गया था क्या सपा वही चीज फॉलो कर रही है? नहीं, आप कौन कर रही है? नहीं, ये सामने में एक पहलवान बेटिया के साथ ऐसी हो रही नहीं। जब मुलायम सिंह रहते हैं, अभी दुनिया में रहता मुलायम सिंह, तो उनके बात करते थे। बाबरी है कि नहीं अभी ये बताइए पहले तो मुझे। बाबर नहीं है, बाबर के बाबरी मस्जिद जो है, बाबर है कि नहीं है? कहाँ है बाबर? नहीं है, नहीं तो उसकी मस्जिद के लिए इतना विरोध क्यों खड़े होते हैं कि मस्जिद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अरे एक मिनट रुक, इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है। शांति से, एक मिनट। अगर मुलायम सिंह यादव से एक मिनट, मुलायम सिंह यादव से इतनी एलर्जी, अरे इधर सुनो मैडम, इन लोगों के पास कोई मुद्दा होता नहीं, बस यही होता। एक मिनट शांति से बात करेंगे तो बात करूंगी मैं, शांति से बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव से इतनी एलर्जी तो बीजेपी ने अपना झंडा झुका के उन्हें श्रद्धांजलि क्यों दी थी? क्यों सम्मान करा था मुलायम सिंह यादव का? अगर वो गलत है तो क्यों करा? भैया आपसे पूछना चाहूंगी, बीजेपी ने क्यों सम्मान करा? एक मिनट अब शांत हो जाइए। मेरा भैया आपसे सवाल ये है, क्या बीजेपी यूपी में ये जो अयोध्या का रेप केस हुआ है इसमें एक तरफा कार्रवाई कर रही है? मैं कह रहा हूँ जो बच्ची का साथ जो हादसा हुआ ना, जो हादसा हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। कोई धर्म का लोग भी उसमें शामिल हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी जात का, मैं तो कहता हूँ वो जो पिल्ला का बच्चा है वो इंसान का बच्चा ही नहीं है। वो पहली एक बात, और उसको तो ऐसा सजा दो, किसी कौम का भी हो उसको तो ऐसा सजा दो दोबारा कोई रेप करने का सोचता भी ना सोचे उसको। ऐसा मैं इस चीज की सपोर्ट करता हूँ, और इसलिए दूसरी बात, अब इस चीज की इन लोगों की देख लीजिए, जब हम बोलते हैं तो इनका मुंह खुलने लगता है, सुनते नहीं है, क्योंकि ये विरोध में खड़े होते सुनते नहीं है। दूसरी बात, उस बच्ची का साथ जो गलत हादसा हुआ है इसको लेके जो भी राजनीति करता है वो राजनीति अगर गंदर राजनीति कर रहा है उसके लिए, चाहे कांग्रेस वाला हो या बीजेपी क्या हो, कोई भी इसमें वो नहीं करना चाहिए राजनीति। जो भी गंदा राजनीति करेगा अगर उस बच्ची को लेके करेगा, और कोई का भी कौम का हो उसको तो ऐसा ऐसा सजा दो। सवाल का जवाब दीजिए भैया, यदि बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसकी बेकरी पे तो क्या वो कार्रवाई गलत है? अच्छा करा है, मैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो बात सुनिए, पहले का बुलडोजर में कुछ और बात था जो चले थे, आज कुछ और बात है। ये देश की बच्ची की बात है, देश की बेटी की बात है, इसमें हम कतई कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको सजा होना चाहिए। बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा, बुलडोजर कितने बुलडोजर चला, जो आदमी बदमाश है बदमाश रहता है, चोर चोर रहता है, जेल में जाएगा बाहर आएगा जेल में आएगा। आंदोलन का समय और सबसे, अरे बोल दो, सबसे बड़ी बात यह है किसी भी धर्म का, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे कोई कांड हो तो उनके ऊपर पूरा बुलडोजर चलाए और पूरा नष्ट पहुंच गोली चलाए। और अगर ये कहते हैं कि टेररिस्ट रेपिस्ट क्रिमिनल किसी का कोई धर्म नहीं होता, तो हिंदू ऐसा करे तो उसको दफनाओ, मुस्लिम ऐसा करे तो उसको आग लगाओ, इस चीज में अगर कोई विरोध करे तो उसको भी साथ में आग लगाओ। खुल के कहता हूँ, कौन कर रहा है विरोध, कौन कर रहा है देख लीजिए आप। अभी जो आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, क्या सपा की आदत रही है बलात्कारियों का समर्थन करने की? बिल्कुल रही है, बिल्कुल रही है। विकास दुबे ले लीजिए, जहर हुसैन ले लीजिए, तहिर हुसैन ले लीजिए, उसके बाद अभी रेपुआ छोड़िए, उससे पहले 3 महीने पहले उसके मैनपुरी में जो सपा का कॉलेज बना हुआ है वहाँ पे रात के 3 बजे एक 18 वर्ष की लड़की को नंगा रेप किया गया है, दोस्त रेप किया हुआ है, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? कहाँ गए सपा के लीडर? उसके कॉलेज में ऐसा होता है, कहाँ गए सपा के लीडर? कहाँ गए अखिलेश यादव? कहाँ गई वो डिम्पल भाभी जो दिखाती थी कि हम लड़की है, लड़की का सम्मान उसे करना नहीं आता, कहाँ गए वो? आखिरी सवाल, क्या बुलडोजर मॉडल यूपी में फेल हो रहा है? क्योंकि आप लोग राम राज्य की बात करते थे, क्या यही राम राज्य है, यही सम्मान है? मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा हो रहा है, मैं राम राज्य फेल नहीं हो रहा है, सुनेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने चाटी हुई है 70 साल से, ये नहीं सुनेंगे। मैं कह रहा हूँ राम राज्य आएगा और ऐसे ही आएगा, बुलडोजर हर टेररिस्ट के ऊपर चलाएगा जो रेपिस्ट करेगा, बुलडोजर के साथ गोली भी चलेगी।
जो विरोध करेगा